रायबरेली में इस सीजन की कल हुई सबसे अधिक वर्षा ने शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। अमृत योजना के तहत खोद कर बनाई गई सड़क जगह जगह धंस गई। इसे लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने इन सड़कों को तुरंत ठीक करने का निर्देश जारी कर दिया। अमृत योजना से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि देर रात तक सभी सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। उधर जिलाधिकारी ने ITI एकता विहार और राजकीय कॉलोनी समेत उन सभी सड़कों पर हैवी लोड टेस्टिंग का निर्देश भी दिया जो अमृत योजना के तहत खोद कर बनाई गई हैं। मैम, कल लगातार बारिश के बाद कई जगह सड़क धंसने के मामले में है, तो खासतौर पर हमने क्यों लेकर प्रशासन ने क्या? देखिए, भारी बारिश के दृष्टिगत प्रशासन की जितनी भी टीम्स हैं वो तहसील के स्तर पे हैं या नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, सभी जगह सजग हैं और निरंतर इसमें हम लोग निगरानी भी कर रहे हैं। जो सड़क के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में आपने प्रश्न पूछा है, वहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि एक ITI से संबंधित जो हमारी ITI वाली सड़क है, गवर्नमेंट कॉलोनी से संबंधित जो हैं और कुछ और दो सड़कों के संबंध में इस तरह की सूचना प्राप्त हुई थी। अमृत योजना से संबंधित जो सड़क थी उसमें क्षतिग्रस्त होने के उपरांत उसमें रेक्टिफिकेशन का कार्य करा लिया गया है और जो अन्य हमारी ऐसी सड़कें हैं उनकी भी हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं। जहाँ भी इस तरह की समस्या आती है उसमें तुरंत रेक्टिफिकेशन का कार्य कराया जाएगा।